देखिए, एक जानकारी तो हमें भी मिली कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद इन्होंने कहा कि हम झाड़ू मार करके उत्तर प्रदेश को साफ करेंगे, स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। झाड़ू लगना भी बंद हो गया और वो कूड़ा सड़कों के किनारे, गांव में और गड्ढों में और खाली प्लॉटों में दिखाई दे रहा है। सरकार ने ये कहा कि गड्ढा मुक्त भी सड़कें हो जाएंगी। ये तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप कल से ही दिखा रहे हो कितने गड्ढे हैं। ये सरकार ने जो गड्ढा मुक्त का अभियान चलाया था, जैसे झाड़ू वाला मामला खराब हो गया, रोमियो वाला मामला भी खत्म हो गया, गड्ढा मुक्त वाला भी मामला खत्म हो गया। मैं तो कहना चाहूंगा ये सरकार काम के लिए नहीं बनी है। अरे आप काम की उम्मीद क्यों कर रहे हो उनसे? ये तो सरकार किसी और वजह से बनी थी। जो सरकार काम के लिए नहीं बनी उनसे काम की उम्मीद कर रहे हो? और आपको तो सोचना चाहिए, अच्छे दिन का नारा दिया था 3 साल पहले, वो अच्छे दिन भी नहीं आए, तो आप उम्मीद क्या करोगे? और जिन लोगों ने सरकार बनवाई, व्यापारी लोगों ने मन बड़ी ईमानदारी से मदद की थी बीजेपी की, जीएसटी से और कानून व्यवस्था से सबसे ज्यादा संकट व्यापार के ऊपर पैदा किया है। सबसे ज्यादा शराफा व्यापारियों की मौत हो रही है, उनकी हत्या हो रही है। आगरा में भी घटना हुई है, अभी मथुरा की घटना कितनी खुली होगी, कितनी सच्चाई सामने आई अभी जानकारी में नहीं है। मैनपुरी में भी हो गई। यही दिनों बीजेपी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा और उसी आग ने मध्य प्रदेश को, हरियाणा को, राजस्थान को और तमाम प्रदेशों को उसी आग में किसानों को धकेल दिया। अभी हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब किसानों का कर्ज माफ होगा और हमें उम्मीद है कि किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा, पूरे किसानों का। ये वादा तो यही था ना कि पूरे किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। अब पूरा किसानों का कर्ज कब माफ होगा हमें इंतजार है। और वरना जो बात इन्होंने कही कि बबूल के पेड़ पे आम कैसे उम्मीद कर रहे हो आप, ये बताओ। आओ मिलकर समाजवादी को दे नया आयाम, आओ मिलकर समाजवादी को दे नया आयाम, सफल बनाए समाजवादी सदस्यता अभियान, सफल बनाए समाजवादी सदस्यता अभियान। समाजवादी सोच से जुड़ रहा है हिंदुस्तान, सफल बनाए समाजवादी सदस्यता अभियान।